हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं धुरवा इधर जाता है, धुरवा नहीं धुरवा में ही हूँ अभी। तो इधर HSC जाता है, इधर सामने की तरफ रोड बना है और इधर सीधे रांची की तरफ घुसेगा अभी, अंदर टाउन की तरफ। और यहाँ से 4 लेन स्टार्ट शुरू होता है। तब सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में फिर से। तो यहाँ से पूरा 4 लेन बना हुआ है, देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत। पहले सिंगल रोड था यहाँ पे और रोड भी उतना अच्छा नहीं था पहले, और अभी का रोड देखो भाई कितना खूबसूरत हो गया, पूरा चकचकार है, रोड बढ़िया बन गया है। और पूरा स्ट्रीट वाला लाइट लग गया है ऊपर में, रोड वाला बढ़िया है, ये वाला एक नंबर दिख रहा है भाई, एक नंबर लग रहा है। स्मार्ट सिटी इधर ही कहीं पे बन रहा है। देख रहे हो कितना खूबसूरत। तो इधर से जाते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, इधर पास पड़ेगा तो इधर से निकलते हैं। और इधर का चल ही रहा है अभी काम, एक साइड का पूरा बन गया है और काम सब कंटिन्यू चल रहा है और इधर अभी बनेगा। कितना खूबसूरत दिख रहा है भाई, देख सकते हो। और इधर HSC फैक्ट्री है, भाई देख रहे हो ना रोड कितना बढ़िया बन गया। इधर 4 लाइन यहाँ से कहाँ तक बना है, बिरसा चौक तक बना है शायद कि कहाँ तक बना है देखते हैं, और आप लोगों को दिखाते हैं। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी देखने को मिलेगा। और साथ ही अभी तो चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि इस तरह का ब्लॉग मिलते रहेगा। तो देख सकते हैं इधर रोड कितना बढ़िया बना दिया है यार। पहले यह सिंगल रोड हुआ करता था गवाना में, तब से मैं इस रोड में आ रहा हूँ और अभी देख रहा हूँ 4 लेन बन गया, देखते देखते बदल गया और लाइट भी लग गया रो, काफ़ी स्ट्रीट लाइट काफ़ी खूबसूरत लगेगा जब रात में आओगे तो देखने के लिए। फिर इधर पैदल यात्री के लिए इधर बना रहे ऊपर में, तो काफ़ी खूबसूरत बना रहे झारखंड सरकार ने। रोड का तो काफ़ी ध्यान दिया है लेकिन अगला चीज़ में ध्यान सब नहीं दे रहा है, कम से कम अगला में रोड के साथ साथ सब चीज़ में देना चाहिए ताकि झारखंड को उत्थान हो सके। क्या कहते हो भाई, दे सामने रहो गोल चक्कर, दूसरा गोल चक्कर। तो ये रहा भाई साहब गोल चक्कर, ऐसा दिखता हुआ तो इधर सीधे अभी 20 चौक। तो इधर भी 4 लेन बनने को है, बन ही गया इधर 4 लेन, यहाँ से धुरवा से लेके सीधे 20 चौक तक 4 लेन देख सकते हो। इधर पहले इधर का नहीं बना था, अभी इधर भी बना दिया इस साइड में, देख सकते हो इधर इधर पहले ऐसा नहीं था, यहाँ तक रोड था, उसके बाद उधर खाली आ गया था तो उसको बना दिया, काफ़ी बढ़िया कर दिया है। और बीच में ये सब पौधा लगा दिया है ना तो रोड को काफ़ी खूबसूरत बना देता है, देखने में काफ़ी मस्त लग रहा है। और लाइन सब तरफ बन रहा है, उधर बूटी मोड़ से आगे तक बन रहा है, यहाँ से कोकर से आगे उधर DIT तरफ तक बन रहा है, पूरा 4 लेन ही बनेगा सब तरफ। इधर कंप्लीट हो गया, फिर उधर का क्या, इधर का कुछ बाकी है उसके बाद उधर फिर बनाएगा। तो इसे चल रहा है सिलसिला रोड का, काफ़ी बेहतर कर रहा है। तो यहाँ से क्रिकेट स्टेडियम जाने के लिए इधर भी बढ़िया रोड बना दिया, उधर 4 लेन है और यहाँ पे शालीमार बाजार है, देख सकते हो यहाँ पे मंगलवार और किस दिन लगता है, 2 दिन शायद, एक दिन लगता है तो यहाँ पे आज हो गया बुधवार, कल लगा था होगा बाजार यहाँ पे। और इधर का नज़ारा चेक करो भाई साहब, यह रोड का माप तोल होते रहा है, अभी तक पूरा फाइनल नहीं हुआ, इधर पूरा फाइनल हो जाएगा, उसके बाद फाइनल हो गया थोड़ा थोड़ा, बस इसको फाइनल टच देना है, उसके बाद तो खत्म ही खत्म है। और यहाँ पे जतरा लगा है भाई, मेला लगा है था,
कि लगा ही है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। डाल्टनगंज गुमला के लिए यहाँ से जा सकते हैं, रिंग रोड। ओ भाई साहब, आज यहाँ बाज़ार है शालीमार को, वहाँ आज यहाँ बुधवार को यहाँ पे बाज़ार बगल में ही लगता है, पास पास है बाज़ार वहाँ और यहाँ। एक दिन छोड़ मतलब लगातार है शालीमार, फिर यहाँ, यहाँ भी काफ़ी बड़ा बाज़ार दिखता होगा। तरबूज का तो पूरा यार पूरा गांज दिए हैं भारी मात्रा में तरबूज ही तरबूज। अभी गर्मी का मौसम है तो सब तरबूज खाएगा, देख सकते हो इधर वो भैंसों सब नहा रहा है। इधर का रोड थोड़ा सा बढ़िया है, टसत होने वाला है, जहाँ टसत होने वाला रहता है ना वहाँ पे गाड़ी चलाने के लिए मजा ना आता, हचुड़ हचुड़ करता है। प्लेन रोड रहता है ना तो बढ़िया लगता है। चलो भाई रोड काफ़ी चौड़ा हो गया, उधर भी बनेगा इसके लेवल में, उधर डाले लगाएगा तब मज़ा आएगा, तब देखने में और खूबसूरत हो जाएगा रोड का मामले में। और अभी गर्मी का दिन है भाई साहब, अभी टाउन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा। अब देखते हैं आगे जाते 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 पता चले कहाँ के 15 किलोमीटर यहाँ से लेफ्ट जाना। अभी सच्चा खते हुए अभी निकलेंगे हम तो, ये और एक गोल चक्कर मिला मेरे को। तो इधर से घूमना पड़ेगा भाई, उसके बाद से तो बीर चौक की तरफ निकलते हैं। और वो धूप अभी पूरा जड़जड़ा का मार है, पूरा हाथ सब जल 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 रहा है, जड़चड़ा के मार रहा है। अभी पहुंचने वाले हैं, कुछ दूर बाकी है, उसके बाद तो पहुँच ही जाएंगे। तो इधर कांके के लिए जा सकते हैं, बर्फ रातू रोड। तो इधर बीसा चौक के लिए इधर निकलना है, गाड़ी बंद हो चुका है यहाँ। तो रोड तो बहुत बढ़िया बना दिया भाई, तो अभी बीसा चौक पहुँच गए। और यहाँ से हटिया रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता यहाँ से है, यहाँ से आप जा सकते हैं हटिया रेलवे स्टेशन। तो रांची रेलवे स्टेशन आगे है, तो गए जिसको बोलते हैं बिरसा चौक, ये रहा बिरसा चौक। बिरसा भगवान का यहाँ पे स्टेचू बनाया हुआ है जो कि काफी खूबसूरत दिखता हुआ। हवाई अड्डा 2.5 किलोमीटर, चिनाला 3 किलोमीटर, रांची रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर है यहाँ से। और भारी मात्रा में तो धूप लग रहा है भाई, और यह है एयरपोर्ट का घेरा यहाँ पे, ये वाला एयरपोर्ट का घेरा। और सामने का नज़ारा चेक करो,